चंद्रयान 3 सफलता पूर्वक लैंडिंग करे। स्वाहा, ओम स्वाहा, स्वाहा, सर्व देवता भ्यो नमः स्वाहा, काशी देवताय नमः स्वाहा, स्वाहा, काल भैरवाय नमः स्वाहा, स्वाहा, विश्वनाथ नमः स्वाहा, विश्वकर्मा देवता भ्यो नमः स्वाहा। आज यहाँ पे हम लोग काशी नगरी में बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर आज हम लोग यह प्रार्थना करते हैं कि भारत के जितने वैज्ञानिक साइंटिस्ट लगे हुए हैं चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने के लिए, और उनके सभी उनके द्वारा की गई कोशिश को हम लोग सादर प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि जो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक जा रहा है, इसने जो चंद्रयान 2, इसके पहले भी जब चंद्रयान 2 जब गया था भारत से चंद्रमा की तरफ, तो वह सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसके चंद्रयान 2 के जो पार्ट ने चंद्रयान 3 के पार्ट से बात की है, ये हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और चंद्रयान 2 अभी तक जो हम लोग सोच रहे थे कि चंद्रयान 2 का जो वो नष्ट हो चुका है, वो विफल हो चुका है, क्योंकि मुझे याद है यह बात कि उनके चंद्रयान 2 विफल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिकों के पास जाके उनको सहानुभूति देते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, और जो वैज्ञानिक रो रहे थे उनको उन्होंने गले से लगाया और उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि आप लोग फिर से मेहनत करिए। और लेकिन उन लोगों का चंद्रयान 2 जो था वो विफल नहीं हुआ, वो चंद्रयान 2 आज की डेट में चंद्रयान 3 से बातें कर रहा है। चंद्रयान 2 वहाँ चंद्रमा पर पहले से ही जो भी उसको न्यूज़ समाचार मिले हैं उसने चंद्रयान 3 को मैसेज किया है, ट्रांसफ़र किया है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग पूरी दुनिया में रूस ने चंद्रयान जैसे ही चंद्रयान 3 जब हम लोगों का लॉन्च हुआ था, उसके बाद चंद्रयान यूनो 25 रूस का गया था चंद्रमा पे, उसके बाद जबकि रूस ने कहा था कि चंद्रयान 2-3 से पहले ही हमारा पहुंच जाएगा, लेकिन उनका बीच में ही ध्वस्त हो चुका है। और कल की डेट में हम लोगों के लिए यह जो एक दिन डेढ़ दिन का जो हम लोगों के लिए भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और जो लैंडिंग का जो 10 मिनट का जो समय रहेगा वही हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत के सभी वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, उनके कार्य में सफलता प्रदान करें, और यह भारत कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाला है, और हमें पूरा उम्मीद है। भारत माता की जय।